नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। तीन राज्यों में चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी हलचल मची हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी के एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस के नेताओं ने खुशी जाहिर की थी। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी है, जिसमें सचिन पायलट और कमलनाथ भी शामिल है। इस बीच राजस्थान के पूर्व सीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी जीतू पटवारी के एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जीतू पटवारी को बधाई दी। जीतू पटवारी को बधाई देते हुए अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व श्री उमंग सिंगार को मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूरा भरोसा है कि आप दोनों मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूती देते हुए प्रदेशवासियों के अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं कमलनाथ को कांग्रेस अध्यक्ष हटाकर जीतू पटवारी जो कि एक युवा चेहरा भी है, हालांकि हमेशा वो अपनी सीट से जीतते नजर आते थे लेकिन इस बार अपनी सीट से वो हार गए थे, उसके बावजूद भी यहां देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहां बनाया, जिसके बाद कमलनाथ लगातार यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कमलनाथ के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार, क्योंकि जब यहाँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष बनाने की जो अपडेट सामने आई उसके एक से दो दिन पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में भरे मंच पर एक बड़ी बात कही थी, जिसमें कमलनाथ जनसभा करते हुए ये कहते नजर आए थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा और मैं कोई किसी भी पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी कमलनाथ को इस्तीफा यहाँ देना पड़ा। क्या तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार जो हुई है उसका मुख्य कारण अंदरूनी कलह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अपने ही नेताओं को तवज्जो यहां नहीं दी जाती, जिसकी वजह से विपक्ष यहां हमलावर होता रहता है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।